मैडम ने इसको 100 रुपए पर क्यों खरीदा बीजीआर एनर्जी को, और 100 रुपए पे खरीदने का लॉजिक क्या था? पहली बार मैं सारी चीजों को समराइज कर दे रहा हूँ इसी 2 मिनट के वीडियो में बीजीआर एनर्जी के। और अगर आप एडवांस एचएम सिस्टम के थ्रू जाएंगे, एडवांस एचएम सिस्टम के थ्रू जाएंगे तो सिंपल सिंपल सी बात है, जो लोग उसको यूज करते हैं लोग देख लें उसमें भाई आ गया होगा, वो लोग अपना अपना सिस्टम देख लें। दूसरी बात, तीसरी बात ये आरएसआई इसमें अपना बॉटम आउट हो रही है और मतलब भी कैंडल का पैटर्न बन गया, हालांकि मैं कैंडलिस्टिक पैटर्न पे नहीं आता हूं, चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है, बट आप अगर यहां पे देखोगे तो क्लियर फंडा चल रहा है यहां पे, है ना। अब चौथी बात ये कि अगर आप अभी बीजीआर एनर्जी में देखे कोई भी कहीं पर भी कोई पोजीशन बनाने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह जरूर लें और अपनी भी एनालिसिस करें, ऐसा नहीं कि जाके धड़ाम से कूद जाइए। इट्स टोटल लर्निंग, इट्स टोटल एजुकेशन, जैसे आप और किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हो और किसी क्लास की एमबीए की या जो भी आपने डिग्री ली हुई उसकी पढ़ाई करते हो, उसी के बेसिस में मैं बोल रहा हूं। हाँ, थोड़ी सी ये डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। तो यहां पर अगर आप बीजीआर एनर्जी में पोजीशन बना के चलते हैं तो आपका क्लियर टारगेट होना चाहिए आपका 110-120 रुपए बीजीआर एनर्जी में, क्लियर टारगेट होना चाहिए आपका 110-120 रुपए। ये बात बड़ी सिंपल है भाई साहब। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? जो लेटेस्ट लो लगा है आपका नियर अबाउट 33-32 रुपए का जो एसएल लगा, लेटेस्ट लो लगा है, उसी का स्टॉप लॉस रखेंगे बीजीआर एनर्जी में। सिंपल, एज सिंपल एज दैट, एकदम सिंपल। बाकी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क कर लें, है ना। ये मेरी आपको वैधानिक चेतावनी है ना साहब। धन्यवाद।